इस पाइनएप्पल को हम किसी और समय भी खा सकते हैं और अभी के लिए ये आम चेयर में बदल जाएगा। हाँ, आपने सही सुना, साइड्स में पॉम पॉम रिबन चिपकाए, सीट लगाए और ट्रॉपिकल आम चेयर तैयार है। नौरा पैसिफिक ओशन के उस पार ट्रिप पर जा रही है। उसके रूट पर एक ऐसा आइलैंड आता है जो कि मैप पर नहीं होता। क्या ये सुनसान है? उसकी जांच करनी पड़ेगी। बाहर दो लड़के शिप से उतरकर आइलैंड की यात्रा शुरू करती है। ये पत्थर अजीब दिख रहा है। इन अजीब ड्राइंग्स के बारे में कौन समझा सकता है? अचानक ही वहाँ के रहने वाले लोग उसे घेर लेते हैं। उनकी भविष्यवाणी थी कि एक लहर ब्लॉन्ड देवी को उनके आइलैंड लाएगी। नौरा डर जाती है। आइलैंड के लोग उसे पकड़कर उसे अपने सरदार के पास ले जाते हैं। वो खुशी मनाने के लिए ड्रम्स बजा रहे हैं और वो नौरा को पाइनएप्पल के सिंहासन पर बिठा देते हैं। मैं तुम्हें ब्लॉन्ड देवी को आइलैंड की रानी घोषित करता हूँ। सब आइलैंड वासी नौरा की पूजा करते हैं। ऐसे अच्छे लोगों से दोस्ती करना कितना बढ़िया होता है। इस पेपर से हमें आइडिया मिला। फोम पेपर के स्ट्रिप्स बैकपैक के स्ट्रैप्स बन जाएगी। ढक्कन को रिंग से जोड़े। हम इसमें बहुत सारा सोडा रख सकते हैं जो कि इसमें ठंडा रहेगा। टॉरी पहाड़ पर चढ़ाई कर रही है। उसके बड़े बैकपैक की वजह से उसके लिए आसान नहीं होगा। ये मुझे रुकने के लिए सही जगह दिख गई। आखिरकार मैं अपना बैकपैक उतार सकती हूँ। चलो देखें हमारे पास यहाँ क्या है। उसने टेंट और टेबल निकाला और हैमक लगाया। इसमें काफी जगह है और इस सफर के अंत में मैं स्नैक्स खा सकती हूँ। क्राफ्टिंग मैट को खोले। संतरा छिलके की खुशबू कितनी अच्छी है। हम इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। थोड़े से और कट लगाएं और डॉल की स्कर्ट को इस तरह लपेटें। ऑरेंज की खुशबू के साथ मिंट लीव्स की खुशबू अच्छी लगती है। मिंट लीव से बना टॉप ये क्रिएटिव है। लुइसा ट्रॉपिकल कॉकटेल की तरह दिख रही है। आओ एक दूसरे को जाने। लुइसा शेरन फैशन डिजाइनर। उसे आइडियाज की जरूरत है। वो अपनी कलेक्शन और पुराने डिजाइन देखती है लेकिन वो सब सही नहीं है। मुझे कुछ फ्रेश चाहिए। शायद फैशन मैगजीन्स मदद कर दे। फिर वो अपने टेबल पर ऑरेंजेस पड़े हुए देखती है। वो अपने बालों को देखती है और फिर मिल गया मेरा ट्रॉपिकल आइडिया। लुइसा स्केच ड्रॉ करना शुरू करती है। ये ऑरेंज कलर कितना बढ़िया है, कितना चमकीला है। उसने एक ऑरेंज लुक बनाया है। अब वो शो में जा सकती है। लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स देखने का इंतजार कर रहे हैं। पहली मॉडल को कोई तारीफ नहीं मिलती। ये क्रिटिक्स बहुत सख्त हैं। दूसरी साइबर ट्रेंड तो बहुत आम है। तीसरी ये कुछ ज्यादा ही प्यारी दिख रही है। ये कौन है? वाह, ये कितनी अलग है। ये ड्रेस शानदार है। नॉक नॉक वाटरमेलन खुल जाओ। ग्लोरिया बड़े चम्मच के साथ आती है। जरूर हिलाएगी, आखिर वाटरमेलन होते ही इतने स्वादिष्ट हैं। उसने वाटरमेलन इतनी तेजी से खाया कि छिलके के अलावा कुछ नहीं बचा। दूसरे हिस्से को बेस की तरह इस्तेमाल करें। हेलो, मैं ये रही। बात को पॉम पॉम रिबन से सजाएं। पाम ट्री हमारे साथ कुछ केले शेयर करने के लिए मान गया। ये हमें कुछ मिल गए। बाकी फ्रूट्स भी साइड्स पर लगाएं। सीढ़ी लगाएं ताकि अंदर जाने में आसानी हो। लुइसा एक नए स्पा सैलून में आती है। इसकी खासियत है कि ये सिर्फ ताजे फलों से काम करते हैं। वो उसे हर तरीके का ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, लेकिन उसे कुछ खास चाहिए। ठीक है, हमारे पास खास उसके लिए कुछ है। ये हमारा स्पेशल ट्रीटमेंट है, वाटरमेलन बाथ। ये आपके स्किन पर जादू कर देगा। ये सही में रिफ्रेशिंग है। वाटरमेलन जूस आपको विटामिन से नरिश करते हैं। हम और ताजे फल और चमकीला नमक डाल सकते हैं। ये कितना अच्छा लग रहा है, मैं इसमें अंदर जाना चाहती हूँ। कितनी ज्यादा गर्मी है, मुझे अलग हेयर स्टाइल की जरूरत है। विक का बेस तैयार है। बीच से एक बड़ा नारियल उग गया। नारियल का पानी बाहर निकालें।
ये इसके दो टुकड़े हो गए। इस श्रेडेड कोकोनट को तो देखो, विक पर एल्मर्स ग्लू लगाकर उसे श्रेडेड कोकोनट में डिप करें। यम यम, ये बिल्कुल रफा येलो कैंडी जैसा है। मोनिका पूल में मजे करने का फैसला करती है। पानी का तापमान तैरने के लिए बिल्कुल सही है। वाह, क्या ये नारियल है? क्या किस्मत है, एक गिर गया। मैं पेड़ को हिलाकर बाकी भी ले लेती हूँ। क्या तुम पूल के पानी को श्रेडेड कोकोनट से बदल दोगी? ये आज तक नहीं सुना, दोस्त हैरान है। लेकिन कस्टमर हमेशा सही होता है, तो उसने पानी की जगह श्रेडेड कोकोनट डाल दिया। इसमें कितना अलग महसूस होता है। मोनिका इतनी गहराई में डाइव करती है कि उसके बाल भी नारियल में बदल जाते हैं। उसके दोस्त भी इसे ट्राई करने का फैसला करते हैं। ओह, कितना बढ़िया महसूस हो रहा है। ठीक आगे पायलट ट्रिप है, सब यहाँ आओ, सब ध्यान दो। क्या बात है। कंटेनर को दूध से भरें, पेपर फोल्ड करके शिप बनाएं। हम तैर रहे हैं। अब स्ट्रॉबेरीज असली पायलट है, उन्हें बस बोट पर चढ़कर दूध के समुद्र में डाइव करना है। जूडी ब्यूटी सैलून में आई है। मुझे तुरंत नया मैनिक्योर चाहिए, लेकिन मुझे कुछ अलग चाहिए। मैं आपको कुछ अनोखा दिखाऊंगी। पहले मैनिक्योर करते हैं। ये बुके काम आएगा। अपना पसंदीदा शेड चुनें। पॉलिश की स्टिकी लेयर लगाएं। पेटल के आकार के नाखून किसी भी क्लाइंट को खुश कर देंगे। ये कितना फ्रेश और अलग है। जूडी को ये पसंद आया। नेल टेक चैन की सांस लेती है। वो पत्तों से कीमत देगी। वो टिप भी देकर गई है। नट्स हमारी मदद के लिए आए हैं। किसी एक को तोड़कर उस पर टर्कोइज पेंट करें। इलास्टिक रिबन का शुक्रिया। हेलमेट सर पर ही रहेगा। माँ और बेटी पार्क में आए हैं। क्या मैं भी खेल सकती हूँ? जब तक माम आराम कर रही है, लड़का छोटी लड़की को बहुत ऊंचा झुलाने लगा। ध्यान से, उप्स, वो उड़कर सीधा माँ के गोद में गिर गई। लौला, तुमने मुझे डरा ही दिया था। अब से तुम सुरक्षा के लिए ये हेलमेट पहनोगी। बच्चे रेस करने का फैसला करते हैं। वहाँ चलकर नीचे स्लाइड करते हैं। बढ़िया, मैं आ रही हूँ। लड़का नीचे स्लाइड करता है। लौला चलो, कितना मजेदार गेम है। लेकिन उसका कंट्रोल बिगड़ गया और वो उड़कर सीधा झाड़ी में गिर गई। आउच, किस्मत से उसने हेलमेट पहना हुआ था। हे लौला, तुम ठीक हो? हाँ, सब ठीक है। मैं थोड़ा डर गई थी, पर मेरे हेलमेट ने मुझे बचा लिया। डॉल हमारे लिए सफेद फैब्रिक लाई है। चलो उसे एक अनोखी ड्रेस बनाए। उसमें सुंदर ड्रेपिंग और पीछे एक बड़ा बो है। फ्रीडा ने कुछ मजेदार करने का सोचा। मेरा शॉपिंग करने का मन नहीं है, मैं घर पर ही कपड़े ट्राई करूंगी। मैं क्या चुनूं? नहीं, ये नहीं। लेकिन तभी उसका ध्यान पिंक ड्रेस पर जाता है। कितना सुंदर शेड है, लेकिन स्टाइल सही नहीं है। मैं ये रंग कैसे बनाऊं? मुझे क्या चाहिए होगा? बिल्कुल सही, सब्जियाँ, चुकंदर चीजों को पिंक बना सकता है। लालीलो के फैशन डिजाइनर हमारी मदद करेगी। सिलवट वाले कपड़े को धागे में रैप करें, उसके चारों तरफ चुकंदर को रब करें। वाह, ये कितना अलग है, मुझे यही चाहिए था, शुक्रिया। अब मैं फोटोशूट पर जा रही हूँ। फोटोग्राफर रेगिस्तान में फोटोशूट करना चाहता है। रेगिस्तान की रेत में ये पिंक ड्रेस बहुत बढ़िया लग रही है। ये ड्रेस बदल भी सकती है, वो हर तरीके से हिल सकता है। फोटोज अच्छी लग रही है। यह ड्राई फ्रूट्स का ढेर लगा हुआ है, स्वादिष्ट। इन्हें स्क्यूअर्स में डालें। स्टायरोफोम के टुकड़े को कुकीज की तरह पेंट करें। ये बिल्कुल ताजे है। ड्राई फ्रूट्स की दीवार बनाएं। किनारों पर स्वीट स्ट्रॉ से कॉलम्स बने हैं और वेफर्स की छत लगाएं। ड्राई फ्रूट्स की सीढ़ियां और मीठा पसंद करने वालों का घर तैयार है। शैरन पार्क में सैर करते हुए गलत रास्ते पर निकल जाती है। वाह, ये कैसे हो सकता है, ड्राई फ्रूट्स का घर।
अजीब, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। बढ़िया, मैं अंदर जाकर मीठा ट्राई कर सकती हूँ। ओह, ये कितना स्वादिष्ट है, मैं खुद को रोक नहीं सकती। इन सारी कैंडी से मुझे काफी शक्ति मिल गई। किस्मत से यहाँ पास में झूला भी है। ये